सर ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट तैयार ही हो चुका है दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं हमारा डॉय तैयार हो चुका है। अब इसको निकाल के हम सीधा एक्सट्रूडर मशीन में लेके जाएंगे। इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं लगी, आपको एक मशीन लगानी है और सारा काम ये मशीन करके देगी। हाँ जी, अब हमारा ड्रायर चालू हो चुका है। इसमें जो आइटम डाला था, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इस तरह से हमारा निकल के बाहर आ गया है। अरे वाह, देख लो भाई सारा तेल बाहर आ चुका है। अरे वाह क्या बात है भाई, ये देख लो, ये देख तो एक बार में ये एक घंटे में 2000 पैकेट निकालेगी, 10 ग्राम से 250 ग्राम ये पैक करेगी। अच्छा। फुल्ली ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन है ये, ठीक है। MRP डेट भी लगाएगी, कैमरा सेंस भी करता है ये, इतना माल निकल के हमारा प्रोडक्शन काउंटर भी है इसमें। पाउच में लड़ी बना के सिंगल पैकेट लड़ी जैसा भी हमको प्रोग्राम लगा निकालती रहेगी। इस प्लांट से आप 100 से 150 तरह के नमकीन बना सकते हैं, 100 से 150 तरह की नमकीन बना सकते हैं एक इस फ्रायर के काम से। पूरा प्लांट आपका इस फ्रायर के ऊपर डिपेंड है एक तरीके से। हेलो दोस्तों, माय नेम इज अभिषेक, यू वाचिंग केप इंपोर्टर। दोस्तों आज फिर से एक वीडियो लेके आ चुके हैं भाई। जैसे कि आप सभी को बताया कि जैसे कि सब लोग चिप्स, कुरकुरे, नमकीन हर तरह के पैकेट में डले हुए चीज़ें खाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि बनते कैसे हैं या फिर इनका प्लांट कहाँ मिलता है, अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। तो सर हम उठाते, तो हेलो सर, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। तो सर थोड़ा बताइए जरा, हम कहाँ पे आ गए और क्या क्या चीज़ें आपके पास बनती हैं और क्या क्या लोग खरीद सकते हैं, आपसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप आए हैं नोएडा सेक्टर 10A35 रॉयल फूड प्रोसेसिंग पैकेजिंग मशीन में। यहाँ पे आपको सारे प्लांट मिलेंगे फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड, जैसे कि कुरकुरे का प्लांट मिलेगा यहाँ पे आपको, चिप्स का मिलेगा, पफ का मिलेगा, पोला का प्लांट मिलेगा यहाँ पे, नमकीन का मिलेगा आपको, फ्रेम्स आइटम का मिलेगा यहाँ पे आपको, सोया बड़ी का मिलेगा यहाँ पे, मैक्रोनी पास्ता का मिलेगा, बिस्किट का मिलेगा, मसाले का मिलेगा, चाय की पत्ती का मिलेगा। क्या बात, सारी प्लांट मिलेंगे, सारी वेरायटी यहाँ पे आपको मिलेंगी। अच्छा सर, बात करें जैसे कोई बंदा खाली पैकेजिंग मशीन लेना चाहता है या खाली फ्रायर लेना चाहता है, ले सकता है एक चीज? हाँ जी बिल्कुल, जो भी उनको मशीन चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंगल मशीन भी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा प्लांट ही लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। और बात करें कि बंदा नॉर्मल से नॉर्मल स्टार्टिंग बिजनेस कितने से कर सकता है सर? देखिए सबसे नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करने की जो रेंज सबसे कम है हमारी 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख रुपए में आप डीजल भट्टी या गैस भट्टी के साथ फ्राई आइटम का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फ्राई आइटम में जैसे क्या क्या आते हैं सर? फ्राई आइटम में जैसे कि हमारा रेडीमेड कुरकुरा आ गया, या फ्राई आइटम पास्ता हो गया, कटोरी हो गया, जंगल फन हो गया, ABCD हो गया, इस तरह के आइटम लेके फ्राई करके, ड्राई करके, मसाला मिला के और खिलौने डाल के पैक कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब वो मात्र आपका 2.5 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाएगा। और बात करें इस चीज के लिए जगह कितनी चाहिए होती है, बिजली का लोड क्या चाहिए होता है? देखिए सिंगल फेज की सारी मशीनें हैं फ्राई आइटम का, ठीक है, फ्राई आइटम, नमकीन और चिप्स, ये हमारे सिंगल फेज के प्लांट, सिंगल फेज के प्लांट घरेलू बिजली पे यूज हो जाएंगे, चल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए 1000 स्क्वायर फीट की जगह चलेगी, ठीक है। और इसमें भी आपको एक GST नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा। और एक फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। अगर आप अपना ब्रांड नहीं बनाना चाहते, रेडीमेड लेना चाहते हैं, तो इन लाइसेंसों की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, तो मतलब इसमें यह की लाइसेंस वगैरह जो चाहिए वो आप दिलवा सकते हो? हाँ जी, कहीं भी ऑल इंडिया में किसी भी कोने में आपको कोई भी लाइसेंस चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कोई ब्रांडिंग चाहिए, कोई लाइसेंस चाहिए जी? आपको अपना नाम का ब्रांड करवाना है, ठीक है। फॉर्मूला चाहिए आपको, ट्रेनिंग के लिए बंदा चाहिए आपको, मशीनें चाहिए आपको, रैपर चाहिए आपको, अरे वाह, मसाले चाहिए, सब कुछ मैं आपको एक ही टेबल पर प्रोवाइड कराऊंगा। क्या बात है, मतलब आपको एक जगह आना है और सारी चीजों का सोल्यूशन आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है, बस आपका आने की देरी है। तो जल्दी से जल्दी विजिट करें और वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ भाई, देख लो, जहाँ पर आपको जो आप खाते हो कुरकुरे, चिप्स वगैरह, वो फैक्ट्री जो यहाँ पर बनते हैं सारी चीजें। तो सर हमारे साथ है, हेलो सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आज क्या दिखाने वाले और कहाँ पे आएंगे थोड़ा बता दो हमें जरा। दोस्तों आप आए हैं नोएडा सेक्टर 10A35 में रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन में। यहाँ पे आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं नमकीन का सेटअप दिखाने वाले हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी मशीनें लगती है और कितने का ये सेटअप होता है, किस तरह से इसकी प्रोडक्शन होती है और कितनी इसकी कैपेसिटी है, तो आज सारी डिटेल हम इसी मशीनों की लेने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें यह है कि आप जैसे भी नमकीन बना सकते हैं जैसे मर्जी? जी, एक ही मशीन से, इससे आप 15 से 20 तरह की नमकीन तो मशीन से बना सकते हैं, ठीक है। और कच्चा माल लेकर फ्राई करके इसको नमकीनों, जैसे मूंग दाल होगी, पीनट्स होगी, तो मैं तो 100 से 150 तरह का नमकीन आप बना सकते हैं। क्या बात है, एक मशीन से? हाँ जी। तो सर आना कब पड़ेगा लेने के लिए? नोएडा सेक्टर 10A35 में आना पड़ेगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हेलो सर, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। तो आज शुरुआत कहाँ से करने वाले हो सर? सर आज शुरुआत करें नमकीन के प्लांट से, ठीक है। नमकीन के प्लांट में जो सबसे पहली मशीन होती है इसको बोलते हैं मल्ली मशीन। मल्टी मशीन? मल्ली, मल्ली मशीन, मल्ली मशीन, डो मिक्सचर। अच्छा, दो मिक्सचर एक साथ हो गए। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम नमकीन बनाते हैं उसका बेसन इसमें डाल देते हैं, मसाले डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं, उसको डो तैयार कर देती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी की प्रोसेसिंग आपको दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, तो एक बार शुरू करते हैं। क्या बात है भाई, ये डलेगा, ये क्या डाला सर? बेसन? बेसन डाला जी। मतलब ये है कि इसके अंदर आपको हाथ से काम नहीं करना पड़ेगा, सारा काम मशीन करेगी? मशीनें करेंगे, ठीक है।
अब इसमें बेसन डाल दिया, इसमें हम नमक डालेंगे अपने और किस तरह का हमको प्रोडक्ट बनाना उसके हिसाब से इसमें मसाला डालेंगे। अच्छा, और फिर इसको चालू कर देंगे। अच्छा क्या बात है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या डालने वाला है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर सर क्या जा रहा है सर? ये नमक डाल जा रहा है सर। नमक डाल रहे हैं भाई, देख लो इसके अंदर ये नमक डल गया। ये टेस्ट अनुसार डलता है, टेस्ट के अनुसार। अब इसके अंदर क्या डालेगा सर? अब ये पानी डाल रहे हैं। पानी डलेगा, देख लो भाई पानी डल गया इसके अंदर। मतलब जो कि काम आपको एक घंटे में होगा वो काम ये मशीन 5 मिनट में करके दे देगी आपको। देख लो भाई ये पूरा घोल बनना शुरू हो गया टोटल, कितने बढ़िया तरीके से देख लो भाई ये मिक्स हो रहा है। अब ये क्या जा रहा है सर? ये तेल डाल रहे हैं इसमें। ये सरसों का रिफाइंड है? हाँ जी रिफाइंड है। क्या आप बात है भाई, देख लो अब ये पूरा मिक्सचर तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में आपके सामने। बहुत ही बढ़िया, देख लो भाई इस तरह मशीन घूमती रहेगी और ये मिक्सचर बनता रहेगा बनता रहेगा। अच्छा कितने टाइम में बन जाता है सर, रेडी रहता है? 2.5 से 3 मिनट का इसमें टाइम लगता है। 2.5 से 3 मिनट में ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और कितना किलो बन सकता है एक बार में? एक बार में 25 किलो बनता है। 25 किलो बनता है। दोस्तों पहली बात तो हम ये सैंपल दिखा रहे हैं, कोई ये ना बोले कि भैया ने हाथ में ग्लव्स क्यों नहीं पहने, ये क्यों नहीं करें, ये हम आपको सैंपल दिखा रहे हैं, ये हम बेचने के लिए नहीं दिखा। हमारे यहाँ मशीनों का काम है, आप मशीन खरीद सकते हैं हमसे, हर तरह की मशीन हमारे पास मिलती है। सर किस किस तरह की मशीन आपके पास? हमारे पास दोस्तों यहाँ पे जो मिलेंगे आपको नमकीन का, कुरकुरे का, चिप्स का, फ्रेम्स आइटम का, मैक्रोनी पास्ता का, सोया बड़ी का और पोला का प्लांट, मतलब सभी चीजें मिलती है एक तरीके से। हाँ जी क्या बात है, मतलब मार्केट में जो भी पैकेट के अंदर बिकता है वो सब आपके पास मिलता है। फूड प्रोसेसिंग का जो भी आइटम होगा सब मिलेगा, सब हमारे पास मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये पूरा रेडी हो चुका है हमारा, मतलब ये बन रहा है, अभी रेडी हो जाएगा, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सर ये हमारा ऑलमोस्ट मतलब रेडी हो गया नमकीन, है ना जी? दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने इसमें भुजिया की डाई लगाई हुई थी सेव नमकीन की, तो सेव नमकीन हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है और ये फ्राई हो रहा है। अरे वाह, बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्या बात है, देख लो भाई मतलब आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपकी भुजिया इतनी सारी तैयार है। सर बात करें एक बार में कितने किलो कर सकते हैं? एक घंटे में ये 100 से 150 किलो तक की हमारी प्रोडक्शन दे देती है। 100 से 150 किलो? 100 से 150 किलो। 150 किलो? हाँ जी। क्या बात है भाई, देख लो ये हमारा फ्रायर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से चलता है, सिंगल फेस होता है, यानी पूरा प्लांट हमारा सिंगल फेस का है। अच्छा, ये जो आप फ्राई देख रहे हैं सिंगल फेस पे ही फ्राई हो रहा है। क्या बात है, देख लो भाई सिंगल फेस में फ्राई हुआ है सारा, और जिसमें कि आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। और जब आपके यहाँ पे प्लांट लगेगा तो ये पूरा सेटअप लगेगा। क्या बात है सर, ये क्या कर रहे हैं सर ये? दोस्तों अब हमारी भुजिया बिल्कुल फ्राई होकर तैयार है, अब इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकाल रहे हैं? अच्छा ये पूरा उठ गया है? तो जी पूरा उठ जाता है, तेल नीचे रह जाता है, हमारा माल बाहर निकल जाता है। क्या बेस्ट क्वालिटी का निकल के आता है, आप देख रहे हैं पूरी भुजिया का एक जैसा कलर मिलेगा। देख लो भाई A to Z भुजिया पूरी सूख चुकी है, अंदर कोई तेल नहीं बचा, सारा तेल जो है नीचे निकल चुका है जी। क्या बात है, एक बार देखते हैं नीचे आएगी अब ये। अरे वाह भाई ये देखो भुजिया आ चुकी है सारी। क्या बात है, मतलब आपका 1 मिनट में इतनी सारी भुजिया तैयार हो गई है। अगर इसको ज़्यादा फ्राई करोगे तो लाल पड़ जाएगी, लाल पड़ जाएगी, लाल पड़ जाएगी। देख लो भाई इस तरह से भुजिया तैयार हो चुकी है आपकी, मतलब आपको 1 मिनट में इतनी सारी नमकीन मिल गई है और इससे कितने सारे पैकेट बना सकते हो आप, देख लो भाई। तो सर ये क्या ट्राई करने वाले हो आज? दोस्तों जो आपने देखा कि हमने भुजिया बनाया था, अब इस भुजिया में जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल के इस मशीन में डाल देते हैं। अच्छा, जिससे इस मशीन के थ्रू सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाएगा, बिल्कुल ड्राई भुजिया हमको मिलेगी मार्केट में आती है। अभी तो सर ये ऑयली आपके हाथ भी ऑयली हो गए, अब इसको इस मशीन में डाल के इसको ऑयल फ्री कर देते हैं। क्या बात है, ये ऑयल फ्री हो जाएगा। ठीक है एक बार ट्राई देख लेते हैं कैसे होगा ये, डाल दो। क्या बात है भाई, इसके अंदर डालना है ये सारा सिस्टम, सारा ड्राई हो जाएगा, ये A to Z चीज ड्राई हो जाएगी सारी। और अभी यहाँ से आपको तेल आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों जो भुजिया हमने इसमें डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आप देख रहे हो उधर से तेल निकल रहा है, ये बिल्कुल हमारा ऑयल फ्री हो जाएगा इसका। अरे वाह, मतलब बिल्कुल सूख जाएगा ये? बिल्कुल सूख जाएगा, ऑयल फ्री हो जाएगा। क्या बात है भाई, तेल देख लो कितना सारा निकल रहा है। ये सब तेल जो है भुजिया के अंदर था, जो कि आप खाते तो आपको दिक्कत होती, और ये सारा तेल इसका निकल चुका है जी। देखो भाई धीरे धीरे निकल रहा है, अब ये पूरा सूख जाएगा, उसके बाद सर क्या होगा फिर? उसके बाद अब इसको उठा के हम सीधा मसाला मिक्सर मशीन में डालेंगे, वहाँ पे इसमें भुजिया का इसमें फ्लेवर चढ़ा देंगे और उसके बाद सीधा हमारा पैक हो जाएगा। ठीक है सर, तो एक बार देख लेते हैं इसके बाद क्या होने वाला। दोस्तों जैसा देख रहे हैं हमारी पूरी भुजिया
जो सेब भुजिया है पूरा ऑयल फ्री हो चुकी है। अरे वाह भाई, देख लो। हम सीधा हांडे मशीन में डाल देते हैं, यहाँ पे इसमें अपना जो फ्लेवर वो चढ़ा देते हैं। क्या बात है भाई, ये देख लो पूरी डल चुकी है भुजिया इसके अंदर, और इसको चलाएंगे और ये इसमें मसाला डाल के इसको क्रंची, और क्रंची तो हो ही चुकी है, मसालेदार बनाएंगे, टेस्टी फ्लेवर चढ़ा देते हैं। ये फाइनल हो चुका, मतलब दोस्तों भुजिया के अंदर हमने अपना जो भुजिया मसाला होता है वो चढ़ा दिया है इसमें, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल अभी ये टेस्टी चटपटा हो चुकी है। ठीक है, अब ये सीधा निकाल के इसको पैकिंग मशीन में डाल के इसको पैक कर लेते हैं। अरे वाह, एक बार देख लेते हैं जरा, ये हमारा देख लो भाई, नीचे भुजिया निकलेगी अब। क्या बात है भाई, ये देख लो, अरे वाह देख लो भाई, सारी भुजिया जो है ऑयल फ्री हो चुकी है ये। वाह भाई देख, दोस्तों जो भुजिया हमने बनाया था वो तैयार हो चुका है, इसको पैकिंग मशीन के हॉपर में डाल देते हैं। ये डाल दिया है हमने, अब इसको सीधा पैक कर लेते हैं। अच्छा, मतलब ऊपर में डालने के बाद सीधा पैकिंग स्टार्ट, पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात है, देख लो भाई आगे आगे आ चुकी है नमकीन हमारी, ये देख लो, अब इसको चालू कर देते हैं। बहुत बढ़िया, एक बार चालू कर देख लेते हैं इसको। क्या बात है, अरे वाह क्या बात है भाई, ये देख लो, ये देख, बहुत ही बढ़िया भाई, अरे वाह क्या बात, देख लो बन के आ चुका हमारा पैकेट, इसमें क्या निकलने वाला है। हमने डाला था वो बिल्कुल पैक हो के, ये देखो, अरे वाह भाई, ये देख लो नमकीन सूखी बढ़िया, बिल्कुल खाओ आराम से। और ये 5 रुपए का पैकेट है जिसमें कि आपको 1 रुपए एक पैकेट में बचने वाला है, और यहाँ पर आपको एक बार में कितना निकाल दिया सर ये। क्या बात सर, खा भी गए खड़े खड़े, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई देख लो, हम जो बनाते हैं खुद भी खाते हैं, मतलब चीजें जो है वो बेस्ट है, बेकार नहीं होने वाली कुछ भी। दोस्तों एक बार में ये 1 घंटे में 2000 पैकेट निकालेगी, 10 ग्राम से 250 ग्राम ये पैक करेगी। अच्छा। फुल्ली ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन है ये। ठीक है, MRP डेट भी लगाएगी, कैमरा सेंस भी करता है ये, इतना माल निकल के हमारा प्रोडक्शन काउंटर भी है इसमें, और पाउच में लड़ी बना के सिंगल पैकेट लड़ी जैसा भी हमको प्रोग्राम लाना निकालती रहेगी। बहुत ही बढ़िया, मतलब कहने का है कि इसके अंदर बस एक बंदा चाहिए वो काम करने के लिए, इसमें टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये फुल्ली ऑटोमेटिक, इसमें लेबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ माल डाल दीजिए लड़ी हटाते रहिए, लड़ी अपना बढ़ती रहेगी, लड़ी हटाते रहिए माल डालते रहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सर बात करें इसके अंदर आप कुछ भी पैक कर सकते हो। दोस्तों इसमें आप फ्राई आइटम, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, स्नैक्स के अलावा मसाला हो गया, चाय की पत्ती हो गई, चने हो गए, राजमा हो गया, छोले चावल, चीनी, कोई भी आइटम, सब कोई भी आइटम पैक कर सकते हो। और बात करें सर इसके अंदर अपनी ब्रांडिंग करानी चाहे तो, अगर किसी को अपने नाम का ब्रांड बनाना है, ब्रांडिंग भी मैं करवा दूंगा उनका। अच्छा, उनको टेस्ट के फ्लेवर चाहिए वो भी मैं करा दूंगा, ट्रेनिंग के लिए बंदा भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अगर उनको मशीन चलाने का ऑपरेटर चाहिए वो भी मैं करा दूंगा। बहुत ही बढ़िया, और उनको अगर फॉर्मूला चाहिए फॉर्मूला भी मैं फॉर्मूला भी दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा एक बार। जैसा कि आपने दिखाया अभी नमकीन के कैसे पैकिंग होती है, कैसे फ्राई होता है, सब कुछ होता है। नमकीन के प्लांट की बात करें सर, क्या खर्चा आता है नमकीन के प्लांट में? देखिए मैक्सिमम 6 मशीन हमारी आती है, सबसे पहले बेसन मलनी जो हमने दिखाया था आपको, भुजिया एक्सट्रूडर, फ्रायर, ड्रायर, मसाला मिक्सर, पैकिंग मशीन। अच्छा, इन सारी मशीनों का जो कॉस्टिंग आती है वो आती है हमारे 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख जी, सिंगल फेस की मशीन है पूरी। अगर किसी का बजट नहीं है इतना तो वो फ्रायर की जगह डीजल भट्टी लेकर स्टार्ट कर सकता है, तब हम उसका जो प्लांट का कॉस्ट बैठेगा 3.5 लाख रुपए बैठे, मतलब 1 लाख का ये भट्टिया कॉस्ट आता है। हाँ जी, 1 लाख रुपए दे, ऑटोमेटिक होता है पूरा, टेम्परेचर कंट्रोलर दिखाता है कितना हीट आ रही है, और पूरा एक साथ में माल निकलता है, तो क्वालिटी बनती है इसमें। तो सर बात करें इसके अंदर कितने तरह की नमकीन निकाल सकता है दोस्तों? मशीन से आप 20 तरह की नमकीन निकाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी आइटम जैसे मूंग दाल होगी, पीनट्स होगी, टेस्टी होगी, ये रेडीमेड होते हैं, इनको लेकर फ्राई कर सकते हैं। तो यानी कि इस प्लांट से आप 100 से 150 तरह की नमकीन बना सकते हैं, 100 से 150 तरह की नमकीन बना सकते हैं एक इस फ्रायर के काम से। पूरा प्लांट आपका इस फ्रायर के ऊपर डिपेंड है तरीके से, मतलब फ्रायर अगर आपका अच्छा है तो आपका काम सारा अच्छा है, क्वालिटी बढ़िया निकलेगी, बहुत ही बढ़िया। तो सर आना का पड़ेगा इसके लिए नोएडा सेक्टर 10A35 आपको आना है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, तो आज देखा आपने नमकीन किस तरह हमने बना के दिखाई आपको, फ्रायर के अंदर तल के दिखाई, सब कुछ मशीन आपको दिखाई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।